वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए एनसीपी हो या कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? पीएम ने 15 दिन पहले ही उस हिंदू आतंक की थ्योरी को चुनावी मुद्दा बना दिया था, जिस हिंदू आतंक की थ्योरी पर यूपीए के जमाने में बहुत चर्चा हुई थी। संघी, भगवा और हिंदू आतंकवाद, ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई पहले ही हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के निशाने पर दिग्विजय सिंह रहे, जिनके खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को उतारा है। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। मैं माँ नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूँ और नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। ये सोचा नहीं गया था कि ऐसा मौका भी आएगा कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी उस चेहरे को चुनाव में उतार देगी, जिसकी वजह से ही हिंदू आतंक की थ्योरी चर्चा में आई थी। ये बीजेपी की नई चुनावी रणनीति है, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा इसे धर्म युद्ध ऐसे ही नहीं कह रही हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट करके आपका स्वागत किया है भोपाल में और लिखा है कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित, सभ्य वातावरण आपको पसंद आ गया। दिग्विजय सिंह ने आपका स्वागत किया है। करना भी चाहिए, रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं, देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। दिग्विजय सिंह कितने मजबूत कैंडिडेट लगते हैं आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि अधर्मी विधर्मी कभी भी, अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास, इसलिए वो बहुत कमजोर होता है और मेरे समक्ष कोई चुनौती नहीं है। दिग्विजय सिंह के सामने प्रज्ञा ठाकुर को उतारना हिंदुत्व वाले चुनावी हथियार में भी बीजेपी ने तेज धार लगाई है। इसका मौका बीजेपी को तब से मिला है जब 20 मार्च को समझौता ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद सहित 4 आरोपियों को बरी कर दिया था। अभी कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले पे कांग्रेस की साजिश कैसी थी, इसकी सच्चाई देश के सामने आ रही है। कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है। भाइयों बहनों, ऐसी कांग्रेस को कभी माफ कर सकते हैं क्या? बीजेपी ने अपनी इसी रणनीति को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाया है, जिसमें अपने चुनावी एजेंडे को वजन देने के लिए वो राहुल गांधी की दूसरी सीट वाली बात भी जोड़ती रही है कि राहुल गांधी इसीलिए वायनाड की अल्पसंख्यक बहुल सीट पर गए। वो चाहे जितनी दौड़ लगा ले, कांग्रेस को इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इस बात को अब कांग्रेस भी समझ रही है कि देश ने उसे सजा देने का मन बना लिया है और इसके लिए नेता अब मैदान छोड़कर के भागने लगे हैं। अब भोपाल में दिग्विजय सिंह के सामने साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना हिंदू आतंक की थ्योरी पर कांग्रेस को हर रास्ते पर बीजेपी फंसाने में जुट गई है, जिससे अब इस थ्योरी को चुनावी अदालत में पहुंचना तय है। साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के सामने चुनावी मैदान में है, नाम की घोषणा हो चुकी है और इससे तय हो गया है कि अब एक तरफा मुकाबला तो कम से कम भोपाल में नहीं रहने जा रहा है, क्योंकि अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी है अपना उम्मीदवार तय करने में, लेकिन जैसे ही साध्वी प्रज्ञा का नाम तय हुआ है भोपाल लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के सामने, अब सबकी निगाहें देश की इस सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक यानी भोपाल पर आकर टिक गई है। कैमरामैन राहुल सेजकर के साथ अवीश पाल सिंह।